बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा जमाल ARY टीम के साथ। आइए चलते हैं आज की खबर की तरफ। जब भारतीय सिनेमा के इत्तेहाद की तरफ हम नज़र डालते हैं तो कुछ बड़ी अजब बातें भी हमारे सामने आती हैं, जैसे कि महान कॉमेडियन महमूद, जिन्होंने सबको बहुत हंसाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब ये रो पड़े थे। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा हुआ था, दांत खींच लिए थे। ऐसा हुआ क्या था महमूद साहब के साथ, जरा जानते हैं। साथ इस वक्त ये है कि महमूद साहब द्रोदत्त के साथ काम करो, इनके साथ जैसा फिल्म में अगर कोई और नहीं है। महमूद साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से द्रोदत्त साहब के आसपास के लोगों में शामिल हो जाएं। ये शामिल हो भी गए। उन्होंने फिल्म जैसा में भी ये किरदार निभाया था। शूटिंग के बाद द्रोदत्त साहब के दोस्त यहाँ बैठ जाते थे और अक्सर महफिल होती थी जिसमें शराब का सेवन भी होता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे, ये द्रोदत्त साहब एक नज़दीक जाना चाहते हैं, इसी ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो महमूद तो शराब तो पीनी पड़ेगी। वो सर निगाह नहीं है, शराब नहीं थी। कुछ मुस्करों ने इन्हें पकड़ लिया और कहा कि एक बूंद तो पीनी पड़ेगी, तभी तो तुम इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। महमूद साहब समझ गए जब बात मजाक ही नहीं, कहीं शराब की बूंद मेरी हलक में ना उतर जाए। उन्होंने अपने दांत पींच लिए, खूब बंद कर लिए। उनकी आंखों से आंसू छलकना स्टार्ट हो गए। द्रोदत्त साहिब ने वक्त की नज़ाकत को समझा, मौके की संजीदगी को समझा और सबको रोक दिया और फिर पूछा, महमूद आखिर ऐसा क्या हो गया, ये तो मजाक कर रहे थे, तुम लोग क्यों बड़े। महमूद साहब ने कहा कि मेरे पिता शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से अब हमारे फैमिली में नहीं रहे। मैंने अब कसम खा ली है कि मैं कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। द्रोदत्त साहब इस बात से बड़े प्रभावित हुए। ये मजाक खत्म हुआ और महमूद साहब इनके ग्रुप का हिस्सा बन गए। डियर व्यूवर्स, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारी बेहतरी के लिए अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।